नमस्कार दर्शकों मैं हूं आचार्य सपना श्री बहुत बहुत स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं आपके अपने खास यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज नवरात्रों का माँ शक्ति का माँ पार्वती का सातवा दिन माँ कालरात्रि दोस्तों ज़्यादातर मुझे लोग पूछते हैं कि क्या हमारे पे किसी ने कुछ कर रखा है हमारे घर पे किसी ने कुछ कर रखा है पैसा होने के बाद परिवार होने के बाद भी घर में वो सुख शांति महसूस नहीं होती है हर टाइम एक अनचाह भय सा लगा रहता है अगर आप सबको भी ऐसा ही कुछ महसूस होता है कि हमारे घर पे किसी ने कुछ करा है वैसे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इन सब बातों में ना पड़ा जाए कई बार ये भी देखने को मिलता है मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कि किसी ने कुछ कर नहीं रखा बल्कि कोई ना कोई नेगेटिव फोर्स कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा को हमने खुद ब खुद अपनी तरफ खींचा हुआ है जैसे कि मैं बताती हूँ हम सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच सकते हैं वैसे ही नकारात्मक मतलब कि गलत नेगेटिव एनर्जी को भी हम अपनी तरफ खींच सकते हैं तो कई बार ऐसी एनर्जीज खुद हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं और अपना स्थान बना लेती है काफी वीडियोस मैंने डाली हैं कि किस तरीके से आप अपने घर की नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म कर सकते हैं कैसे संध्या काल के समय आप लोगों ने घर में धुनी करनी है पूजा पाठ करनी है जिससे कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हों पर फिलहाल आज नवरात्रों का सातवा दिन माँ कालरात्रि दोस्तों माँ कालरात्रि माँ का रौद्र रूप है प्रोटेक्शन के लिए माँ हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देती है माँ के बहुत सारे रूप है हर एक माँ के मैं भी एक माँ हूँ बहुत सारे रूप होते हैं जब बच्चों पे बात आती है हमारे घर परिवार पे बात आती है तो औरत का स्त्री का एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिलता है स्त्री के अंदर जितनी प्रेम ममता स्नेह होता है उतना ही रौद्र रूप रौ भी उसके अंदर होता है जब घर परिवार की बात आती है बच्चों की बात आती है तो स्त्री का जो रूप देखने को मिलता है वो है माँ कालरात्रि और वो हर स्त्री के अंदर होता है इसलिए अपने नवरात्रों में इस बार पुरुष जो हैं या महिलाएं भी एक बात को समझ लीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना एक महिला दूसरी महिला से भी जब ईर्ष्या करती है या उनकी बातें बनाती है या अपशब्द इस्तेमाल करती हैं तो इससे उनके ग्रह तो खराब होते ही होते हैं बाकी अगर वो सोचें कि वो माँ भगवती को किसी भी तरीके से प्रसन्न कर लेंगी अपने आप को बोले कि मैं माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ ये चीज़ फिर गलत होगी ऐसा कुछ नहीं है एक स्त्री की इज्जत करना और अपशब्द इस्तेमाल ना करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नवरात्रों में बाकी माँ को आप हम लोग फास्टिंग करते हैं फास्ट रखते हैं आपको लग रहा है कि माँ भगवती बहुत खुश हो जाती है इन सब चीज़ों से और उसकी दूसरी तरफ ही अगर हम कोई भी ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं तो आप समझिए उस चीज़ को कि हमारी हर चीज़ वो कहते हैं ना अच्छा करम बनाया बुरा करम बनाया और बराबर हो गई बात तो ऐसा ना करिए जिन किसी को भी अपने घर में लगता है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या हमारे घर पे किसी ने कुछ किया है तो संध्या काल के समय शाम के समय गोबर के उपले पे तीन लौंग लेनी है तीन लौंग लेके गोबर के उपला आप अच्छे से गैस पे उसको जला लीजिए पूरा जब वो लाल सुर्ख हो जाए ना उसको अपने मंदिर में रखिए किसी भी मिट्टी के पात्र में आप रख सकते हैं तीन लौंग आपने लेनी है उसमें अपनी विश डालिए कि हमारे घर परिवार में सबको माँ प्रोटेक्शन दो सबकी सेहत अच्छी रहे सद्बुद्धि मिले और हमारे घर में जो भी कोई नकारात्मक ऊर्जा माँ वो मैं तेरे चरणों में रख रही हूँ अब तू देख कि तूने क्या करना है और अपने घर के मेन डोर से एंटी क्लॉकवाइज तीन बार उसको फेर के आप उस गोबर के उपले पे रख दीजिए वैसे तो मैं कहती हूँ कि हर शनिवार के शनिवार करना चाहिए मैं तो करती हूँ लेकिन आज के दिन तो स्पेशल आप इस कार को कार्य को करिए करिए हाँ मन में माँ कालरात्रि का सबसे पहले स्मरण करके उसके बाद आप इस चीज़ को करिए शाम के समय और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो रेगुलर रखिए जब कभी भी कोई काम करने के बाद अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है ना तो उसको रेगुलर करते जाओ जब एक ही चीज़ पे मार पड़ती रहती है ना तभी उसकी काट होती है काट कभी भी एक बार में नहीं होती है किसी भी नेगेटिव फोर्स की तो उसको बार बार एक ही जगह पे मारना पड़ता है तब जाके वो परमानेंटली ख़त्म होती है तो दोस्तों आप लोग यूं ही मेरे को अपना प्यार देते रहिए बनिए रहिए तो दोस्तों आप लोगों ने जो ये किस्मत का द्वार जो मैंने ये नवरात्रों में आप लोगों के लिए अपनी गहन तपस्या से जो तैयार किया है आपने इसको ऑर्डर किया और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वैसे मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं है मैं बहुत ही लिमिटेड इनको तैयार किया है बहुत सारे मेरे पास नहीं है इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप इसको मंगवा सकते हैं और इसके अंदर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है फ़िलहाल वो सरप्राइज़ मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती वो सिर्फ़ जो ऑर्डर करेंगे उन्हीं के लिए है अभी आप इसको सिर्फ इसी तरीके से देख सकते हैं और आप इसको अपने घर में अपनी पूजा की जगह पे या अपने घर की तिजोरी में आपने इसको रखना है इसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें तैयार करके दूंगी एक तो आपको कुंजी दूंगी कुबेर की कुंजी और साथ ही इसमें आपको मेड से खुद मेरे हाथ से अभिमंत्रित करी हुई पोटली मिलेगी वो आपकी किसी भी विश को पूरा करने में सक्षम है यकीन मानिए आप उस पोटली से और उस कुबेर की कुंजी से अपनी ज़िंदगी की किस्मत को खोल सकते हैं जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए नंबर आपके सामने है आप कॉल कर सकते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पेड अपॉइंटमेंट है मेरे से बात कर सकते हैं आप लोगों का यूं ही प्यार और स्नेह बना रहे जय माता दी